हेलो वेलकम बैक, दिस इज सौरभ कुमार राउत, नाउ यू आर वाचिंग द राउत क्लासेस। आज हमारा जो सेशन है वो होगा पास्ट एडजस्टमेंट के ऊपर में। कल तक हमने पढ़ा था कि कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर में, और आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ पास्ट एडजस्टमेंट को लेकर के। पास्ट एडजस्टमेंट जिसका कि मैंने थोड़ा सा ग्लिम्स आपको कल भी दिया था कि कोई ऐसी मिस्टेक जो कि आप या तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या फिर पार्टनर्स कमीशन या पार्टनर्स सैलरी को लेकर के किसी भी तरह की पार्टली या कॉम्प्लीट ओमिशन को लेकर के आप उसको सुधारने के लिए जो आप एंट्री पास करते हैं एट लास्ट, उसको हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। लेकिन ये पास्ट एडजस्टमेंट के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारी गलती कहाँ हो रही है और उस गलती को सुधारने से हमारी एंट्रीज में कैसी इफेक्ट दिखाई देगी। इसके लिए सबसे पहले आपको जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखनी होगी कि क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया गया है या नहीं दिया गया है। इसीलिए आपको सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है कि प्रॉफिट, अगर आपको पहले से प्रॉफिट दी गई है कि आपकी नेट प्रॉफिट ये थी, और या तो कंप्लीट ओमिशन हो सकता है कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया होगा, पार्टनर सैलरी नहीं दी होगी और पार्टनर्स की जो कमीशन है वो भी आपने नहीं दिया होगा। इसीलिए अगर आपने, आपको पहले से क्वेश्चन में प्रॉफिट दी गई है नेट प्रॉफिट और आपने किसी भी तरह का एडजस्टमेंट नहीं करा है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने प्रोवाइड नहीं किया, तो आप जानते हैं कि नेट प्रॉफिट हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और जो हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो डेबिट साइड में लिखी जाती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। इससे क्या होता है कि जो आपका नेट इफेक्ट होता है वो नेट प्रॉफिट लेस आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो होने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास बैलेंस बचती है डेबिट, हम कहते हैं कि हमारा वो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। अब दरअसल आपके पास में जो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो क्या है, वही नेट प्रॉफिट है जिसका हम लोगों ने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया है। अब इसकी एडजस्टमेंट के लिए हम लोगों को पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी। इसीलिए जहां पर आपको प्रॉफिट पहले से दी गई है, आप उस रॉन्ग प्रॉफिट को, चूंकि उस प्रॉफिट में आपने एडजस्टमेंट नहीं करा है, आप सबसे पहले उस ऑलरेडी क्रेडिटेड प्रॉफिट को आप डेबिट करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस से पार्टनर्स को क्रेडिट करने के बाद जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगी आपकी नेट प्रॉफिट की, वो आप उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे वापस से, और जो नेट डिफरेंस होगा प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंपेयर टू द अर्लियर प्रॉफिट, वो डिफरेंस आपका पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री में आएगा। इसीलिए सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना रखा है प्रॉफिट, और हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास में क्या है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमें दी गई है 24,000 की जो ऑलरेडी आपकी जो सोन प्रॉफिट है, आपने इसको पहले से क्या किया, पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया है नेट प्रॉफिट। आपने इसे बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, मतलब कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करनी चाहिए थी, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिना प्रोवाइड किए हुए इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया नेट प्रॉफिट को। तो यहां पर आपने क्या लिखा होगा, यह आपकी पहले की गलती है जिसे आपको वापस से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करनी है। इसीलिए आप पहले दिखाएंगे, ये मैं आपको समझाने के लिए मैं ये लिख रहा हूं वापस से कि आपने गलती क्या की है। आपने गलती की है कि आप नेट प्रॉफिट को, जो कि नेट प्रॉफिट आपका ब्राउट डाउन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, आपने उसे डायरेक्टली बिना ये प्रोवाइड किए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया, आपने उसे क्रेडिट कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसलिए आपने लिखा यहां पर टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए एंड बी। अगर सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं गिवन है, तो इस केस में आपकी जो पार्टनर्स हैं वो इक्वली प्रॉफिट को शेयर कर रहे होंगे, इसीलिए आपने दोनों के कैपिटल अकाउंट में 24,000 को इक्वली शेयर किया होगा, एक को 12,000 और दूसरे को भी 12,000। नेट आपने 24,000 दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन यहाँ पर एज्यूम आपने क्या किया है कि आपके पास में जो प्रॉफिट अवेलेबल थी, आपने उस प्रॉफिट में से पार्टनर्स को उनका इंटरेस्ट क्रेडिट नहीं किया है, और ये नेट 24,000 आपने पहले इसे इक्वली, आपने जो भी आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्ट कर रही थी उस रेशियो में आपने इसे पहले से पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, जबकि ये गलत है। आपने इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट आपको देनी चाहिए थी, आपने वो नहीं दी। अब आपको सेकेंड, ये तो आपकी गलती हो गई, आप पार्टनर्स के अकाउंट में इसे, दोनों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो कि ए और बी हैं, दोनों की कैपिटल अकाउंट पे आप इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कैसे करेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बना के करेंगे, और मैं आपके लिए पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बना के दिखा रहा हूँ। इस साइड जो मैं बना रहा हूँ ये बस ये रफ पर्पज के लिए है, यहाँ पर गिवन इस टॉपिक का ही यहाँ पर ये रिलेशन दिखाया जाएगा। देख लीजिए,
ये रही आपकी पास्ट एडजस्टमेंट टेबल, जिसमें आपने दिखाया है एक तरफ पार्टिकुलर्स, दूसरे साइड आपने लिखा है ए और बी, और दोनों के अकाउंट में आपने दिखाया सेपरेटली डेबिट और क्रेडिट का कॉलम दोनों साइड में। आपने क्या किया था, आपने पहले गलती से रॉन्ग प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि आपको कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको प्रोवाइड करनी चाहिए थी, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया, इसलिए आपकी जो रॉन्ग प्रॉफिट थी आपने जो डिस्ट्रीब्यूट किया था वो था 12,000 एंड 12,000 ईच रेस्पेक्टिवली। आप इसे क्या करेंगे, सबसे पहले रॉन्ग प्रॉफिट डेबिट करेंगे, आप रॉन्ग प्रॉफिट को डेबिट करेंगे तो ये हो जाएगी 12,000 एक अकाउंट में डेबिट, और दूसरी बी के कैपिटल अकाउंट में ये डेबिट हो जाएगी, क्योंकि ये आपकी रॉन्ग प्रॉफिट है। आपको करनी क्या चाहिए थी कि आपको जो 12,000 है नेट प्रॉफिट, आपको उसमें से उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले प्रोवाइड करनी चाहिए थी। सेकेंड जो आपकी केस थी, आपको करनी क्या चाहिए थी, आपको एक्चुअली में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये आपको क्रिएट करनी चाहिए थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये डेबिट हो जाती टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली 8,000 एंड 2,000, 10,000 आपको ये क्रिएट करनी चाहिए थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये डेबिट हो गई यहाँ पे। उसके बाद जो आपकी जो नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, ये मैंने 6,000 लिख रखा है यहाँ पे, ये 14,000 होगी, ये नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो है वो रिमेनिंग आपके पास में 14,000 रहेगी, जो कि आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनर्स को, और इक्वली 14,000 जो है वो 7,000 एंड 7,000 इस ए और बी के कैपिटल अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएगी। तो इसी चीज़ को हम लोग को यहाँ दिखाना है पास्ट एडजस्टमेंट टेबल के केस में। यहाँ पर आपको करना क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपको प्रोवाइड करनी चाहिए थी 8,000 ए और बी के कैपिटल अकाउंट में 2,000, और करेक्ट प्रॉफिट जो है वो ए की कैपिटल अकाउंट में 7,000 और बी के कैपिटल अकाउंट में वो आपकी 7,000 जाएगी। तो अब देखेंगे डेबिट बैलेंस, आपने पहले जो एक्चुअल में क्रेडिट किया था प्रॉफिट वो 12,000 थी, लेकिन आपको एक्चुअल में क्रेडिट कितनी करनी थी पार्ट ए के कैपिटल अकाउंट में 8,000 फॉर इट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 7,000 फॉर द एक्चुअल प्रॉफिट, एंड बी के कैपिटल अकाउंट में आपको आपने डेबिट किया 12,000 जो कि आपकी रॉन्ग प्रॉफिट है, और एक्चुअली में उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कितनी होनी चाहिए थी 2,000 फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 7,000 फॉर द शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पर आपको एक कैपिटल अकाउंट में 15,000 जानी थी, आपने 12,000 पहले डिस्ट्रीब्यूट किया था, इसीलिए अब एक कैपिटल अकाउंट में 3,000 एक्सेस अभी आपका क्रेडिट होगा। ये बस एडजस्टमेंट के लिए है, इसीलिए आपको एडजस्टमेंट एंट्री में सिर्फ और सिर्फ उस डिफरेंस को दिखाना है जो डिफरेंस अराइज होता है आपके रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड और आपकी जो करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल है उसके केस में। जो डिफरेंस है आपकी 3,000 की यहाँ पे अराइज हो रही है ए और बी के बीच में, ए के कैपिटल अकाउंट में 3,000 एक्सेस अभी क्रेडिट होने वाली है, और बी के कैपिटल अकाउंट में एक्चुअली आपने ऑलरेडी 12,000 क्रेडिट किया था, अभी आपने उसे डेबिट किया, और एक्चुअली में उसके कैपिटल अकाउंट में 9,000 जानी चाहिए थी, इसलिए 3,000 का जो डिफरेंस है वो बी के कैपिटल अकाउंट में वो डेबिट होगा और ए के कैपिटल अकाउंट में वो क्रेडिट होगा। इसलिए हम लोग जो एंट्री पास करेंगे बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट विथ 3,000 ऑफ द नेट इफेक्ट बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट ठीक है। ये इस केस में जब हमारे पास में क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दी गई है, हमें कहा गया है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो प्रोवाइड करनी थी 6% के हिसाब से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी गिवन एट द रेट ऑफ 6% इंस्टेड ऑफ 10%। हम एज्यूम कर लेते हैं कि ए की जो कैपिटल अकाउंट है वो ओपनिंग कैपिटल इसकी 20,000 थी, और बी की जो कैपिटल ओपनिंग कैपिटल थी उसकी बैलेंस थी 10,000। अगर आपने 6% की जगह 10% प्रोवाइड किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आपने रॉन्ग इंटरेस्ट प्रोवाइड किया होगा, ये रॉन्ग इंटरेस्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे, रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए की जो हो जाएगी 20,000 उस पर 10%,
ये आपकी इंटरेस्ट होगी 2000, और बी को जो आपने रॉन्ग इंटरेस्ट दिया है वो दिया है 10,000 का, 10,000 की जो 10% है वो 1,000 आपने इसे दिया। आपने रॉन्ग इंटरेस्ट इससे पहले प्रोवाइड किया 2000 1000 रिस्पेक्टिवली, आप लिखेंगे रॉन्ग इंटरेस्ट टू बी डेबिटेड। रॉन्ग इंटरेस्ट क्या था, ए का 2000 और बी का 1000। करेक्ट प्रॉफिट, करेक्ट इंटरेस्ट, आपने करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी थी ए 20,000 पे 6%, ये हो जाएगी 1200, और बी इस पे 6%, एक्चुअली मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी चाहिए थी 2B क्रेडिटेड 1200 एंड 600। अब आप कहेंगे सर अगर हमने पहले से रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया 2000 और 1000, मतलब कि 3000 हमने पहले से प्रोवाइड कर रखा है, दरअसल हमें देनी कितनी थी, हमें 1200 ए को और 600 बी को देनी चाहिए थी, हमें 1800 एक्चुअली में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड की जानी चाहिए थी। अगर एज्यूम कर लेते हैं उस केस में प्रॉफिट नहीं दिया गया आपको केस में क्वेश्चन में, लेकिन अगर प्रॉफिट होता, अगर आपने 3000 उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया होता, तो उस केस में आपकी जो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है उसकी जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं 3000 और ये 1800, इन दोनों की जो डिफरेंस है 1200 की, ये 1200 की जो डिफरेंस है ये एज अ प्रॉफिट आपने आपको अभी क्रेडिट करनी चाहिए, और आपने पहले इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पर उन्हें क्रेडिट कर दिया था। मतलब कि कहीं ना कहीं अनफेयर था किसी एक पार्टनर के लिए कि अगर उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दी गई है तो वो 2000 ले रहा है, दूसरे को 1000 दी जा रही है, जबकि एक लिएबल था 2000 के जगह पे 1200 लेने के लिए और एक 1000 के जगह 600, तो कहीं ना कहीं दोनों की कैपिटल अकाउंट में जो है वो सर रॉन्ग इंटरेस्ट के तौर पे हमने उसे उसके कैपिटल अकाउंट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्ग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है, हमें वो वापस लेनी होगी, और जो करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो हमें प्रोवाइड करनी होगी जो डिफरेंस है 1200 की। अगर ये डिफरेंस पहले जा चुकी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे तो अभी वो प्रॉफिट के तौर पे जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और ये 1200 एज्यूम कर लेते हैं कि ए और बी अभी भी उनके बीच में जो एग्रीमेंट है वो है इक्वल पार्टनर्स का, तो वो लोग अभी भी इस रिमेनिंग जो आपकी जो प्रॉफिट आ रही है 3000 और 1800 की डिफरेंस, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और ये आपकी जो है करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो डिफरेंस जो है आपकी रॉन्ग इंटरेस्ट में और जो करेक्ट इंटरेस्ट में वो है 1200 की, 3000 लेस 1800, और ये डिफरेंस आ रही है आपकी 1200 की, और ये 1200 जो है आप इसको प्रॉफिट के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए और बी दोनों के बीच में, और ये आपकी प्रॉफिट के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, प्रॉफिट टू बी क्रिएटेड टू ईच पार्टनर 1200 इक्वल्स 600 एंड 600। डेबिट बैलेंस फॉर ए, 1800 क्रेडिट बैलेंस फॉर बी, डेबिट बैलेंस इज 1000 एंड क्रेडिट बैलेंस इज 1200। ए जो है वो 200 डेबिट है, एक्सेस डेबिट इसके अकाउंट में होनी चाहिए, अभी पहले से इसके कैपिटल अकाउंट में 200 रुपये ज़्यादा चले गए थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे, क्योंकि आपने रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया था, और बी के कैपिटल अकाउंट में यही बैलेंस 200 रुपये से पहले कम क्रेडिट हुई थी, और अभी उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करनी है। तो आप एंट्री क्या पास करेंगे, आप एंट्री लिखेंगे जिसकी डेबिट होनी चाहिए थी एज कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगी डेबिट विथ 200 रुपीज़ टू बीज कैपिटल अकाउंट, ये 200 से आपकी क्रेडिट हो जाएगी बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट।
यहाँ तक आपका ये ख़त्म हो जाता है। तो एक केस में हम लोगों ने सीखा कि जब प्रॉफिट दी गई है उस केस में आपने अगर रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया है या आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया ही नहीं है तो उस केस में क्या करना है आपने। उसके बाद दूसरे केस में जब आपको प्रॉफिट नहीं दी गई है तो आपको एज्यूम कर लेना है कि जो आपकी रॉन्ग आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड की, या अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड की ही नहीं, आपको करनी चाहिए थी आपने नहीं किया, तो वो आपकी जो रॉन्ग इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट अभी होगी। और जो डिफरेंस है एज्यूम कर लेते हैं, जैसे अभी यहाँ पर हम लोग को दिया गया था 10% दी गई है 6% की जगह, तो हमें 10% को डेबिट करना है और 6% को क्रेडिट करना है, लेकिन जो 10% और 6% का डिफरेंस है वो हमारा अभी प्रॉफिट के तौर पे जाएगा, क्योंकि 10% ज़्यादा था 6% कम जा रहा है, तो जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट इक्वली, अगर एग्रीमेंट नहीं है दोनों के बीच में तो वो इक्वली दोनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और वो 600 और 600 ईच के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आपके पास में ये एडजस्टमेंट टेबल है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं और कोशिश करें कि हर एक तरह की जो क्वेश्चन है उसको आप अटेम्प्ट करें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन सिमिलर हो सकती है लेकिन बाकी सारी क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं आपको ट्विस्ट कर सकती है। तो क्वेश्चन को समझें कि वहाँ पर क्या ओमिटेड है, कॉम्प्लीट ओमिटेड है या फिर वो पार्शियली ओमिटेड है, या उसके बाद आपको प्रॉफिट गिवन है या प्रॉफिट नॉट गिवन है। आप चाहें तो अपने असिस्टेंस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट दोबारा से प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप एडजस्टमेंट टेबल बनाएं और अपने टेक्निक को यहाँ पर यूज करें। आप चाहें तो उतार सकते हैं, इसे नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। इसके बाद हमारे लास्ट टॉपिक है गारंटी ऑफ द प्रॉफिट टू द पार्टनर। तो गारंटी ऑफ द प्रॉफिट टू द पार्टनर ये बहुत ही छोटी टॉपिक है और ये मैं कोशिश करूंगा अपने अगले वीडियो में, एक शॉर्ट वीडियो में उसे क्लियर करूं और इससे आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आपकी जो फाइनल अकाउंट्स है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, तो आप वो फाइनल अकाउंट से प्रिपेयर कर सकते हैं बिट बाय बिट। आप सारे वीडियोस को, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आपको ये वीडियो समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। आपको पास्ट एडजस्टमेंट समझने के लिए या गारंटी ऑफ द प्रॉफिट समझने के लिए आपको पिछली वीडियोज़ देखनी होंगी। आप पीछे जो प्रीवियस वीडियोज़ मैंने अपलोड करी है उसे आप देखें और समझें किस तरीके से छोटी छोटी गलतियों को आप दोहराएं नहीं आगे चल के। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।